हेलो फ्रेंड्स, पूनम भटनागर किचन में आपका स्वागत है। और आज हम छोले की रेसिपी बनाएंगे दिल्ली स्टाइल में, दिल्ली वाले छोले जैसे बनते हैं उस तरह से। तो बनाने से पहले मैं आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करने का और कमेंट्स भी, हमारे मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो उसमें कमेंट्स भी आप दीजिए, और पसंद आएगी ज़रूर, ये हमें विश्वास है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने छोले को उबाल लिया है, रात में भिगोया था और उसको उबाल कर नमक और पानी डालकर रख लिया है, और टमाटर की प्यूरी बनाकर रख लिया है, और प्याज का पेस्ट बनाकर रख लिया है, और कुछ मसाले हैं, और ये कटी प्याज है, और हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक और टमाटर। तो चलिए बनाते हैं। तेल को हमने चढ़ा दिया है, गरम हो गया है। अब इसमें जीरा डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे और प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा चला लेंगे और उसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे एक कटी हुई, और थोड़ी सी अदरक डाल देंगे, और इन सबको चलाकर भून लेंगे। प्याज हो गई है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे एक चम्मच, इसको भी भून लेंगे। अदरक भुन गई है, अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच कलर के लिए, और हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच, और ज़रा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे स्वाद के लिए। और प्याज का पेस्ट डालकर भून लेंगे। दो प्याज हमने लिया था और एक प्याज का पेस्ट डाल दिया है इसमें, और इसको भून लेंगे अच्छे से। टमाटर डाल देंगे और टमाटर की प्यूरी भी डालेंगे, दो टमाटर का पेस्ट है ये, इसको भी डालकर भून लेंगे। प्याज भुन गई है, तेल इसमें ऊपर दिख रहा है, अब इसमें सूखे मसाले सारे डाल देंगे। ये धनिया पाउडर है दो चम्मच, ये करी पाउडर है एक चम्मच, छोले मसाला है थोड़ा सा आधा चम्मच, थोड़ा गरम मसाला आधा चम्मच, और थोड़ी सी हींग। हींग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये हजम करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही रहता है। मसाला हमारा भून गया है और इसमें अब छोले को डाल देंगे। और इसको अच्छे से चला देंगे। छोले को हमने भून लिया है दो मिनट, और अब इसमें पानी डाल देंगे। दो कटोरी का पानी डाल दिया हमने, अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे, और ग्रेवी पक जाएगी तो फिर निकालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, दो मिनट के लिए ढक देंगे, उसके बाद
निकालेंगे बाउल में। छोला बनके तैयार हो गया है, गैस ऑफ कर रहे हैं और अब इसको निकालेंगे। ये तली हुई मिर्च है, ये छोले के साथ वहाँ पे सर्व की जाती है और ये गार्निशिंग के लिए।